तो दोस्तों ये एम बी ए के क्लासरूम जो लाइन है सेकंड फ्लोर पर वहां पर खड़े हैं अभी। और इस जगह से एक नज़ारा काफी अच्छा यहाँ पर दिखता है, पूरा लोनावड़ा जो सिटी है यहाँ से आपको दिखाई देगा। नमस्कार दोस्तों, इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम जाने वाले सिंहगढ़ कॉलेज लोनावड़ा, यहाँ पर है। तो मेरा अभी एम बी ए का एडमिशन प्रोसेस चालू है, तो कैप राउंड फर्स्ट में मुझे जो है सिंहगढ़ जो लोनावड़ा में कॉलेज है उसका नंबर आया है। उससे एक बेटरमेंट के लिए डालकर मैं दूसरा भी कॉलेज देख रहा हूँ, फिर भी वहाँ का फीस स्ट्रक्चर, कॉलेज कैंपस कैसा है, सब कुछ जानकारी लेने के लिए अभी मैं निकल रहा हूँ लोनावड़ा को। तो दोस्तों अभी मैं भोसरी में हूँ, तो यहाँ से हम जाएंगे नज़दीक के किसी रेलवे स्टेशन पर, वहाँ से वहाँ पर PMT से जाएंगे और वहाँ से हम लोनावड़ा जाकर कॉलेज दिखाएंगे। तो चलिए, तो दोस्तों ये है पुणे की PMT सेवा। अब यहाँ PMT से हम जाएंगे सीधा रेलवे स्टेशन पर, वहाँ से लोकल पकड़ेंगे। तो दोस्तों PMT में बैठा हूँ, अभी यहाँ से जाएंगे रेलवे स्टेशन को, वहाँ से हम ट्रेन पकड़कर सीधा जो है लोनावड़ा निकलेंगे। यहाँ पर प्राचीन एक विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर दिखाई दे रहा है, पहले यहाँ पर दर्शन करेंगे क्योंकि आज एक एकादशी है। तो दोस्तों आज एकादशी है, तो नसीब से हमें विठ्ठल रुक्मिणी के दर्शन हुए यहाँ पर। दोस्तों PMT से नीचे आए हम, अभी जो है मैं रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ, तो रास्ते में हमें विठ्ठल रुक्मिणी के दर्शन हुए और आज जो है एकादशी है, तो इसी समय हमें दर्शन भी हुए। अभी हम जाएंगे रेलवे स्टेशन, तो चलिए। दोस्तों पुणे मेट्रो का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। तो दोस्तों टिकट निकाल लिया है मैंने, अभी रेलवे स्टेशन पर हूँ, तो 11:30 बजे ट्रेन आने वाली है, तब निकलेंगे। अभी एक तो अभी मैं लोनावड़ा स्टेशन पर हूँ, पीछा बोर्ड देख सकते हो। तो अभी यहाँ से हमें सिंहगढ़ कॉलेज को जाना है, तो यहाँ से 4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस बता रहा है। तो बाहर जाते हैं, देखते हैं रिक्शा वगैरह क्या मिलता है। अगर आप लोनावड़ा आना चाहते हो तो 11:30 बजे से पहले ही आपको आना पड़ेगा, क्योंकि 11:30 के बाद जो है ट्रेन बंद होती है 3:30 बजे तक। जस्ट आपको टाइम पता रहे इसलिए मैं बता रहा हूँ। दोस्तों मैं ऑटो रिक्शा में बैठ चुका हूँ, तो अभी यहाँ पर अगर रेलवे स्टेशन से अगर सिंहगढ़ कॉलेज को जाना है तो आपको 50 रुपीज से लेकर 100 रुपये तक पे करना पड़ता है। अगर शेयरिंग में लोगे तो आपको कम भी पड़ेगा। तो अभी मैं निकल रहा हूँ, अकेला हूँ, तो मुझे जो है 80 रुपये लिए हैं। तो यहाँ से सीधा हम जाएंगे सिंहगढ़ कॉलेज। तो मैंने कॉलेज में एंट्री कर ली है, अभी एक दोस्त आने वाला है, मेरे ही गांव का है, वो सब कुछ हमें बताएगा, उसको पता है। तो चलिए देखते हैं कि डिपार्टमेंट वगैरह क्या क्या है यहाँ पर। कॉलेज में एंटर करने के बाद आपको ऐसे डायरेक्शन बोर्ड दिखाई देंगे, कौन सा कॉलेज किस तरफ है, डायरेक्शन देख कर भी आप यहाँ पर जा सकते हो। तो आप लास्ट के जो है होटल मैनेजमेंट और जो फार्मा कॉलेज है इस तरफ से डायरेक्शन दिखा रहा है, तो यहाँ पर ये दो कॉलेज आप देख सकते हो। दोस्तों कॉलेज कैंपस से लोनावड़ा का सीन कुछ इस तरीके से देखता है, देख लीजिए। और जो छोटे छोटे घर दिख रहे हैं आपको, एक कॉलेज स्टाफ के लिए है और वहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल है।
इस तरह के रास्ते हैं कॉलेज को जाने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं जो MBA का कॉलेज है लोनावड़ा में, वहाँ पर तो आपको वो भी दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक देख सकते हो सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, एक कॉलेज है। और तो दोस्तों MBA कॉलेज के लिए ये मेन एंट्रेंस है, यहाँ से आपको एंट्री होगी। बैक गेट में भी एक एंट्रेंस है, तो कुछ इस तरह का बाहर से कॉलेज दिखता है, देख लीजिए। गेट से एंटर होती है आपको रिसेप्शन दिखेगा, उसके बाजू में आपको ही एडमिशन ऑफिस दिखेगा। तो ये मेन गेट है। तो दोस्तों कॉलेज में एंटर होते ही जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर आपको जो है सेमिनार हॉल, इस तरीके के हॉल दिखाई देंगे। प्लेसमेंट हॉल है, एडमिशन प्रोसेस जो भी होती है इस ग्राउंड फ्लोर पे होती है। अब हम लेक्चर हॉल वगैरह देखेंगे, ऊपर जाएंगे। चलिए, प्लेसमेंट सेल के बाहर यहाँ पर जो कंपनी विजिट करती है कॉलेज को, इनका जो है डिटेल्स भी यहाँ पर लगाया गया है, आप देख सकते हो। इस तरह के क्लासरूम है सेकंड फ्लोर पे, अब बंद है, मैं दिखाना चाहता था लेकिन अभी बंद है। यहाँ पर देख सकते हो MBA MCA का क्लासरूम 201202, इस तरह के क्लासरूम है यहाँ पर। और आपको जो है ड्रिंकिंग वाटर और लेडीज जेंट्स टॉयलेट भी दिखाई देंगे। तो दोस्तों MBA के क्लासरूम जो लाइन है सेकंड फ्लोर पर, वहाँ पर खड़े हैं अभी। और देख सकते हो यहाँ पर क्लासरूम है, और क्लासरूम के बाहर यहाँ पर नोटिस लगाई है कौन से मतलब फाइनेंस, HR और जो मार्केटिंग में स्टूडेंट है की लिस्ट लगाई गई है, आप देख सकते हो यहाँ पर। देखो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो HR के लिए इतने स्टूडेंट है, और बाद में मार्केटिंग के लिए सेकंड यहाँ पर देख सकते हो सेकंड सेमिस्टर के इधर, और ये फाइनेंस के लिए 25 स्टूडेंट, और नीचे OSCM। फ्लोर के लिए आपको यहाँ पर वाईफाई जोन देखने को मिलेगी। तो MBA कॉलेज के साइड में ही आपको यहाँ पर कॉलेज का एक क्रिकेट ग्राउंड देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा कैंपस है कॉलेज का, और उसके नीचे फुटबॉल ग्राउंड है। तो दोस्तों मैं अभी जो है कॉलेज के कैंपस में ही हूँ। तो अभी मैं MBA का जो एडमिशन सेल चल रहा है वहाँ पर गया था, तो पूरा डाटा वहाँ से निकाल लिया। जैसे कि मैंने पहले आपको कैंपस दिखाया, कैंपस तो सबसे अच्छा कैंपस है, मतलब जो भी इन्वायरमेंट है लोनावड़ा बोले तो अच्छा ही इन्वायरमेंट है यहाँ का। उसी के साथ अगर प्लेसमेंट की और जो कॉलेज की फीस की बात करें, तो कॉलेज की जो फीस है 1,90,000 फीस है पर ईयर के लिए, तो 2 ईयर का एक कोर्स है। तो अगर आपका EBC है, स्कॉलरशिप है, तो आपको उसमें कट होकर आपको फीस भरनी पड़ती है। समझिए कि मेरा अभी ओपन कैटेगरी का हूँ, तो मुझे 1,90,000 टोटल फीस है, तो मुझे उसकी हाफ फीस जो है भरनी पड़ती है। जो आधी फीस होती है वो जो भी गवर्नमेंट से कॉलेज को आती है। एडमिशन जब आप यहाँ पर करोगे तो आपको 25 के आसपास फीस लेंगे, और बाद में का आप इंस्टॉलमेंट टू इंस्टॉलमेंट में भर सकते हो, ऐसे उन्होंने कहा है। उसी के साथ दोस्तों ये रहा फीस का। तो दोस्तों अगर आप बात करेंगे प्लेसमेंट के बारे में, तो प्लेसमेंट का एक मैडम से मिला था, और वो मैडम ने लगभग मैं उनसे 1-2 घंटे बात की हमने, तो उन्होंने प्लेसमेंट के बारे में सब कुछ बताया। यहाँ पर जो है सिंहगढ़ को लोनावड़ा के सेंट्रली प्लेसमेंट है, मतलब समझिए कि जो मेन कैंपस है लगभग सिंहगढ़ के 8 कैंपस है पूरे पुणे में, तो जो भी मेन कैंपस है वो वड़गांव का है। तो जो भी कंपनी के प्लेसमेंट सिंहगढ़ को आएंगे, तो जो भी सिंहगढ़ के कॉलेज है यहाँ पर, तो सभी को जो है वड़गांव में जो कैंपस आते हैं वहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। मतलब उस कैंपस को जो है, अगर समझिए अमेजोन कंपनी यहाँ पर आई है, तो सिंहगढ़ के सभी स्टूडेंट उनको इन्फॉर्मेशन मिले कि अमेजोन की जो है यहाँ पर कैंपस आया, तो सभी वहाँ पर जो है इंटरव्यू दे सकते हैं, सभी को सेम चांस मिलेगा, मतलब इक्वालिटी सभी स्टूडेंट के लिए यहाँ पर है। तो आप ऐसे यहाँ पर इस कॉलेज में अगर एडमिशन करोगे, तो सिंहगढ़ में जो कैंपस आएगा उसके लिए आप भी एलिजिबल होंगे। तो इस तरह का कैंपस का इश्यू है, और एवरेज 4 लाख से ज़्यादा आपको जो यहाँ पर पैकेज मिल जाता है। तो स्पोर्ट में अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो काफ़ी बढ़िया जो है स्पोर्ट के ग्राउंड है यहाँ पर, जैसे कि मैंने क्रिकेट का और फुटबॉल का जो ग्राउंड आपको दिखाया है। उसी के साथ दोस्तों गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल है, बॉयज़ के लिए सेपरेट हॉस्टल है, 3 गर्ल्स हॉस्टल है यहाँ पर, तो उसी के साथ बॉयज़ हॉस्टल भी है। उसी के साथ एक ऐसा भी हॉस्टल है, समझे आप 1 मंथ के लिए यहाँ पर रहना चाहते हो, तो 1 मंथ का ही फीस पे करके 1 मंथ के लिए आप रह सकते हो, इस तरह का भी यहाँ पर ऑप्शन है। और आपको अगर पंजाब राव देशमुख भी आप यहाँ पर भर सकते हो, मतलब कि अल्पभूधारक है आपका, तो जो भी आपको कॉलेज की फीस, जो हॉस्टल की फीस है वो मिल जाती है, उसके लिए भी
ये पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो ये सिंहगढ़ का इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसके बाजू में ही आपको ओपन एरिया ऑडिटोरियम दिखाई देगा, जो भी इवेंट होते हैं इसी जगह पर किए जाते हैं, देख सकते हो। तो दोस्तों मैं अभी कॉलेज वहां पर है, आप देख सकते हो कॉलेज कैंपस से काफ़ी ऊपर आए हम, मतलब कॉलेज कैंपस से बाहर है और इस जगह से एक नज़ारा काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिखता है। पूरा लोनावड़ा जो सिटी है यहाँ से आपको दिखाई देगा, और जो लोनावड़ा का फेमस डैम है वहाँ पर, वो भी आपको यहाँ से सभी जगह दिखाई देगा। काफ़ी अच्छे लोकेशन है यहाँ पर। तो दोस्तों जो मेन बारिश का सीज़न होता है तभी तो काफ़ी देखने लायक होता है, अभी समर जैसा पूरा इन्वायरमेंट है तो अभी इस तरीके से दिख रहा है। कैंपस में ही आपको एक गणेश जी का मंदिर भी दिखाई देगा, तो यहाँ पर इस तरह का मंदिर है कुछ, आप देख सकते हो। कैंपस में आपको एक हॉस्पिटल भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस तरीके से कैफ़े, जनरल स्टोर और जेरोक्स सेंटर, इनकी सुविधा भी आपको जो है कैंपस में मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो के ज़रिए जो है लोनावड़े का सिंहगढ़ कॉलेज है उसकी इन्फॉर्मेशन देखी हमने। तो अगर उसका डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो 10-20 अगर कमेंट आएंगे उस पर, तो उसका जो है मैं पूरा एक सिंहगढ़ का जो कैंपस है उसके बारे में ब्लॉग बनाऊंगा। अभी जा रहा हूँ मैं अपने फ्लैट को, तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।